नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बूंदी जिले के कश्मीर कहलाने वाले पहाड़ों की तलहटी में बसे तलवास गांव में उत्साह के साथ दहलवाल जी की देहरूपी सर्प सवारी निकाली गई। परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ थानक से ग्रामीण गाते बजाते व जयकारे लगाते हुए सर्प को लेकर पहुंचे। देहरूपी सर्प सवारी गांव में आंतरदा रोड जंगल में ढूंढा गया। 1.5 घंटे के प्रयास के बाद एक ढोंक के पेड़ पर देहरूपी सफेद रंग का सर्प नजर आया, जहां ग्रामीणों ने श्रद्धा से देहरूपी सर्प के दर्शन किए। ग्रामीण देहरूपी दहलवाल जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना तथा भजनों के माध्यम से मान मनुहार किए। काफी मान मनुहार के बाद दहलवाल जी की देहरूपी सर्प भोपा के हाथों में नहीं आने पर ग्रामीणों ने दहलवाल जी की जमकर जयकार की, जिसके बाद देहरूपी सर्प ग्रामीण देवकी नंदन पांडे के हाथों में आया। सर्परूपी देह को छुर्रे के पान से बने खल्ले पर लिया गया। देहरूपी सर्प की सवारी लेकर ग्रामीण जुलूस के रूप में गांव की तरफ रवाना हो गए। जगह जगह ग्रामीणों ने सवारी के दर्शन किए। सवारी पूरे तलवास गांव में घूमती हुई दहलवाल जी के स्थानक पर पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा लगाए जयकारों से वातावरण गुंजायमान रहा। ग्रामीणों की मान्यता है अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान सर्प के रूप में प्रकट होते हैं। दहलवाल जी की देह रूपी सर्प के रूप में कहां मिलेंगे, इसका पता अनंत चतुर्दशी से एक दिन पूर्व गांव में निकाली बिंदोरी के दौरान गांव के किसी भी व्यक्ति के शरीर में आकर ग्रामीणों को बताते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन देह रूपी दहलवाल जी सर्प के रूप में कहां मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, उसके अनुसार ही नियत स्थान पर पहुंचकर उनको बाजे गाजे के साथ थानक तक लाया जाता है। फिर ग्रामीण उस दिन उसी स्थान पर ग्रामीण जुलूस के रूप में जाते हैं, देह रूपी सर्प लोगों को दर्शन देते हैं। उस जगह ग्रामीण दहलवाल जी के भजन गाते हैं, नाचते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार दहलवाल जी के रूप में आने वाला सर्प वाइपर प्रजाति का है, जो काफी विषैला होता है। इसके काटने पर बचना काफी मुश्किल है। हमेशा श्रद्धालुओं को एक ही जैसा सर्प मिलना और उसे हाथों में लेकर थानक तक पहुंचना विज्ञान के युग में एक आश्चर्य की बात है। गांव में अनंत चतुर्दशी के दिन बिंदौरी तेजाजी गायन टोलियों में ग्रामीण लोक वाद्य यंत्र गाते बजाते गायन मंडली में हर वर्ग समाज के लोग हिस्सा लेते हैं। हर घर में बाटी चूरमा बनता है। श्रद्धालुओं द्वारा व्रत उपवास रखा जाता है, जिसको सवारी के दर्शन के बाद ही भोग लगाकर खोला जाता है। तलवास में तेजा जी का मेला बहुत वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। इसको तलवास क्षेत्र के लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं और जो आतरदा रोड तलवा से 1 किलोमीटर दूर है वहाँ से तेजाजी महाराज की सारे गांव वाले जुलूस के रूप में तेजाजी के थानक तक लाते हैं और सभी पूरे तलवास के लोग इसमें शामिल होते हैं। आज तेजाजी महाराज का मेला शुरू हो गया है। यह परंपरा लगभग 250 साल से पुरानी है, जो निरंतर चली आ रही है। 3 दिन से यहाँ लगातार बिनोरी निकलती है तेजाजी महाराज की, और रात्रि में एक किसी भी व्यक्ति के भाव आते हैं और वो बताते हैं दिशा, तो उसी दिशा के अनुसार कल जो भाव आए तो पूरब दिशा में बताया गया। तो वहाँ पर सभी लोग गाजे बाजे के साथ जाकर वहाँ पर पूजा अर्चना कर उनकी मान मनोहार की गई, जो सर्प रूपी देह डायरेक्ट पेड़ से उतर कर देवकिनंदन जी पांडे के हाथों में आई और वहाँ से माता जी के चौक में होते हुए मेन बाजार से माता जी के स्थान से लेके दहलवाल जी के महाराज के थानक पर उनको पहुंचाया गया। उसके बाद बीच बाजार में रिमझिम बरसात का दौर जारी रहा। इसी दौरान सर्प रूपी देह तेजाजी महाराज कभी हाथों में, कभी दाढ़ी में, कभी सिर पर, और मेन बाजार से और तेजाजी महाराज के स्थान तक कंप्लीट वह सिर पर ही विराजमान रहे। खूब यहाँ पर आसपास ही गाँव से लोग भीड़ इकट्ठा होती है और यह परंपरा लगभग 250 साल से पुरानी है, निरंतर चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी टाइम न्यूज़, बूंदी।